हमारे एक और खबर का रुख करते हैं। ग्लोबल फैक्टर की वजह से बजाज ऑटो के एक्सपोजर पर असर पड़ता हुआ दिखा है। ईडी राकेश शर्मा से हमने खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि डॉलर इंडेक्स में जो बदलाव आए हैं उनसे सबसे बड़ा असर हुआ है, लेकिन कुछ महीनों में हालात जो हैं वो सुधरने की उम्मीद भी उन्हें नजर आ रही है। आपने सही फरमाया कि एक्सपोर्ट्स और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बजाज ऑटो के परफॉर्मेंस का, और उस पे अभी थोड़ा सा प्रेशर आया है। एक तो फंडामेंटल कारण ये है कि जब से डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है, रुपी डिवैल्यू हुआ, तो उससे हम लोगों को मार्जिन में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट जो इसका है, पर्टिकुलर जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका की, यहाँ पर डॉलर अवेलेबिलिटी कम हो जाती, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट वापस यूएस से फेवर में जाने लगता है, और कई अफ्रीकन मार्केट्स में जो हमारे लिए बड़े मार्केट्स हैं डॉलर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इससे थोड़ा सा मार्केट में जब तक कि संतुलन वापस नहीं आता ये डॉलर को लेके, तब तक थोड़ा सा मुश्किल ही रहती है। दूसरी चीज ये हुई है कि जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मार्केट है नाइजीरिया, जहाँ पे हमारा 55% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, उसमें थोड़ी सी उथल पुथल रही है एक पिछले एक आध महीने से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सिवियर है डॉलर की शॉर्टेज। तो गवर्नमेंट ने मोटरसाइकिल और अन्य चीज़ों पे उनके यूज़ पे रोकथाम के अनाउंसमेंट्स किए हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जैसे लैगोस शहर में ऑफिशियल हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े से कंज्यूमर्स और डीलर्स थोड़ा सा सावधानी बरतने लगते हैं, तो उससे हमारी रिटेल्स तकरीबन 20-25% अगस्त में गिरी। तो स्टॉक्स ज़्यादा ना बढ़ जाए, उस वजह से हम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट्स नाइजीरिया को बिल्कुल कम कर दिए। मेरे को लगता है कि डॉलर को लेके फिर सारी गवर्नमेंट जब तक एक संतुलन में आएंगी, 2-3 महीने लग सकते हैं, और नाइजीरिया को भी मुझे लगता है कि यही दौरान 2-3 महीने लग सकते हैं। तो हमें लगता है कि 2-3 महीने तक एक्सपोर्ट्स अफ्रीका की वजह से, बल्कि अफ्रीका में ये दो तीन तीन चार जो देश हैं उनकी वजह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तो बजाज ऑटो के ईडी राकेश शर्मा थे जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल फैक्टर के चलते एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ता हुआ दिख सकता है और कारोबार पर इसका एक इम्पैक्ट इस वक्त ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन